सुप्रिया जी, देखिए वाहियात भाषा बोलकर किसी ने बोला मैं रात को कौन से ग्राफिक बना रही हूं, यहां पर एक प्रवक्ता ने बोला मेरी चिंता मत करिए, इस देश के लोकतंत्र की चिंता करिए और थोड़ी आप लोगों को भी करनी चाहिए। कल आपके कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री ने बड़ा बोला कि ऐसी कोई कंपनी नहीं है जिसके ऊपर रेड हुई हो उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे हो। 18 कंपनियों का नाम आपके सामने पढ़ देती हूं जिनके ऊपर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की रेड हुई और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। बीच में मत बोलिए, अगर मैं सुप्रिया जी पहले तो आप इज्जत से बात करना सीखिए। मैं आपसे उम्र में छोटा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझसे बदतमीजी से बात करें। ठीक है शहजाद जी, उनको बोलने दीजिए। शहजाद जी होनी चाहिए, शहजाद की मर्यादा होनी चाहिए। आप ठीक से बात कीजिए। आप, मैंने आपको उदाहरण दिए, आपके ट्वीट से दिए, आपके रेवंत रेड्डी के स्टेटमेंट। ठीक है, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए, जवाब। हर चीज से भाग जाती हैं आप जॉब्स का सवाल नहीं दे पाते जवाब, तो आप अंजना जी पर भड़क रही हैं। आप इस बॉन्ड का जवाब नहीं दे पा रही है तो अंजना जी पर भड़क रही है। स्टूडियो का फायदा ना उठाए मिस्टर शहजाद पूनावाला, मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत का थोड़ा परिचय दे। चलिए गुस्सा नहीं, हर तरह का जहां पर फेयर प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए हर तरह का फायदा उठाएगी भारतीय जनता पार्टी। और वही फायदा इन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड से भी उठाया, चंदा दो धंधा लो, छापा वसूली, यही किया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन रैकेट भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने चलाया। मुझे आप एक बात का जवाब दे दीजिए, एक सरकार भारतीय जनता पार्टी की चुनी हुई है, वो सरकार और उसकी एजेंसी कुछ तथाकथित कंपनियों पर आरोप लगा रही है, उनके खिलाफ ईडी सीबीआई इनकम टैक्स जो है वो एक्शन ले रही है। वही सत्तारूढ़ दल उनसे लपक लपक के चंदे वसूली कर रहा है, क्या वो डीएलएफ हो, क्या वो डीबीज लैब हो, क्या वो अरबिंदो फार्मा हो, क्या वो आईएफबी एग्रो हो, ऐसी तमामों कंपनियां हैं जिनसे ऐसे किया गया, क्या वो फ्यूचर गेमिंग हो, क्या वो नवयुग हो, यूनाइटेड फास्फोरस हो, यशोदा हॉस्पिटल हो, हल्दिया इंजीनियरिंग हो, चेन्नई ग्रीन वुड्स हो, हीरो मोटो हो, जिंदल स्टील एंड पावर हो, माइक्रो लैब्स हो, एनसीसी हो, कल्पतरु हो, डॉक्टर रेड्डीज हो, शिरडी साई हो, ऐसी तमाम कंपनियां हैं। चंदा उनसे लिया गया रेड के बाद। मुझे आप सिर्फ इतना बता दीजिए, सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है, अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स उनका फ्रंटल बनकर एक्शन कर रहे हैं तो ये चंदा विपक्ष को दे रहे होंगे, एक बात। दूसरी बात, मेघा इंजीनियरिंग को 14,400 का प्रोजेक्ट मिलता है करोड़ का, सीरम को मोनोपोली मिलती है, वेदांता को बीपीएसएल में स्टेक मिलता है, टोरेंट को 47,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलता है, आरबी इंफ्रा, एप्को इंफ्रा, वंडर सीमेंट, ब्राइट स्टार मित्र, ऐसे तमाम नाम है जिन्होंने चंदा दिया, उसके बाद बड़े प्रोजेक्ट मिले। तो ये अगर कट लेना नहीं है तो क्या है। मैं अंजना जी सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, मुद्दों से भागना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है, लेकिन इनसे ये पूछना चाहिए, और ये बेवकूफी के व्हाट्सएप ये जो चलाते हैं इनसे ये पूछना चाहिए कि अगर इलेक्टोरल बॉन्ड का 50% हिस्सा आपको मिल रहा है और पूरा क्विड प्रो को का पैटर्न आ रहा है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा कि नहीं पूछा जाएगा। आप लोगों के सवाल के अंत में निर्मला सीतारमन जी ने कहा एम आई मेकिंग सेंस और एम आई नॉट मेकिंग सेंस, नो मिस फाइनेंस मिनिस्टर यू डिड नॉट मेक सेंस बिकॉज यू रन द बिगेस्ट एक्सटॉर्शन रैकेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अब अंजना जी प्लीज मुझे इसी रैकेट से एक प्रश्न इसलिए उठता है क्योंकि इसी रैकेट जिसे आप रैकेट कह रहे हैं इसी रैकेट से तमाम पार्टियों ने पैसे लिए हैं, तमाम पार्टियों ने पैसे लिए। अगर ये रैकेट ही है तो जो क्षेत्रीय अच्छा दल राज्यों में सरकार चला रही है, एक सेकंड, अच्छा राज्यों में सरकार चला रही हैं, उनको भी फायदा हुआ होगा। लेकिन सेकंड राउंड में इसका जवाब दीजिएगा क्योंकि शहजाद जी को इसका एक बार जवाब देना चाह रहे हैं, उनको फेयरनेस के पटल पर मुझे जवाब पूरा मिलना। रुकिए आप, रुकिए रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए सुप्रिया जी, रुकिए, नहीं आपको रुकना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा, कोई भाग नहीं रहा है। मैं आपको बार बार कह रही हूँ बेवजह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने लगातार बोला है, अब उनका मौका है, उनको जवाब दे दीजिए, कोई भाग नहीं रहा है, ये मेरा शो है, मैं कहाँ भागूंगी, भागेगा कोई प्रवक्ता। हाँ शो पे बोल रही हूँ, चलिए ठीक है, प्लीज जवाब आप देने, एक्यूजेशन मत लगाया कीजिए, बहुत गंदी आदत है, आपने सवाल भाग रही है, वो बेवकूफ है, वो वाहियात है, मत ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बहुत हम्बली कर रही हूँ, आई एम वेरी हम्बली, आप सब मेरे मेहमान हैं, आप सब मेरे शो में आए हैं, बट प्लीज
वी शुड ऑल माइंड आवर लैंग्वेज। मैं इसका जवाब छोटे में दे दूंगा अंजना जी, कृपया करके। मुझे लगता है एक अच्छी डिबेट के लिए हमें तर्क वितर्क दोनों का सुनना। बोलिए अपना जवाब दीजिए फिर उनके पास। नहीं पर कैसे मैं डिस्टर्बेंस में कैसे बोल सकता हूँ, आप मुझे 40 सेकंड सुरक्षित करो। ठीक है, अब उन्होंने तीन चीजों के कंपनियों के नाम लिए, मैं स्पेसिफिक जवाब दूंगा और इस पूरी डिबेट में मैं ही स्पेसिफिक जवाब दे रहा हूँ। एक, और ये सुप्रिया जी के ट्वीट से पढ़ रहा हूँ, उन्होंने अभी कोट भी किया, उन्होंने कहा यशोदा हॉस्पिटल, और उनके ट्वीट से पढ़ रहा हूँ, प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जनता सुनिए। गाजियाबाद स्थित यशोदा अस्पताल पर इनकम टैक्स की रेड, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे। ये यशोदा हॉस्पिटल इसका गाजियाबाद का नहीं है, उन्होंने क्लैरिफाई किया है, ये यशोदा हॉस्पिटल एक्चुअली तेलंगाना का है। और इस पर भी रेवंत रेड्डी ने कल आरोप लगाया, इनकी ऑफिशियल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया कि यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन तेलंगाना। मैंने सारा लिखा है अंजना जी, मैं नहीं भाग, जिसको देखो वही मीडिया को इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है। सवाल तो पूछूंगी ना, वेदांता सीरम इंस्टीट्यूट, चलिए मैं उस पर भी आ रहा हूं। यशोदा पे देखिए उन्होंने, दिस इज नॉट राइट ना अंजना जी, मुझे 40-45 सेकंड दे दीजिए ना प्लीज। बोलिए, मैं आपको, आप ही बोल रहे हैं। पहली बात, यशोदा पर सुप्रिया श्री ने पूर्ण तरीके से गलत है, वो गाजियाबाद का बता रही है, गाजियाबाद वालों ने डिनाई किया है, मैं उस पर नहीं जाता, परंतु इनके रेवंत रेड्डी ने कहा यशोदा हॉस्पिटल तेलंगाना का मामला है, बीआरएस को बॉन्ड मिला है। अब कौन सही, रेवंत रेड्डी या सुप्रिया, आप तय कीजिए। उन्होंने दूसरा नाम लिया आईएफबी एग्रो का, आईएफबी एग्रो का प्लीज ध्यान से सुनिए अंजना जी, आईएफबी एग्रो ने पैसा दिया, बॉन्ड लिया किसके बाद, जब 2020 में उन पर हमला हुआ बंगाल में, और वहां की पुलिस ने उनको इंटिमिडेट किया। अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया है कि आईएफबी एग्रो को इंटिमिडेट करती है तृणमूल की सरकार, और उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदा है। इसका मतलब किससे प्रोटेक्शन लेने के लिए बॉन्ड खरीदा, अगर यही तर्क अपनाना है तो सीरम पे। अभी सुप्रिया जी एक वरिष्ठ पत्रकार रही, उन्होंने कहा सीरम की मोनोपोली क्रिएट करने के लिए, मैंने स्वयं कोवैक्सीन ली है, इस देश में कोवैक्सीन, कोर्बोवैक्स, इस प्रकार की 7 वैक्सीन्स थी जिसको मिला था इमरजेंसी यूज ऑथोराइजेशन, एक वैक्सीन थी इस देश में, प्रधानमंत्री स्वयं कोवैक्सीन लेकर आए थे। ये कह रही है मोनोपोली थी सीरम की, वैक्सीन की, इज इट फैक्चुअली करेक्ट? उसी प्रकार से, और लास्ट सेंटेंस में आपसे कहना चाहता हूं, देखिए अभी मैंने सारे फैक्ट्स आपके सामने रखे परंतु एक का भी जवाब नहीं आया। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूं कि अंजना जी, हम लोगों को तो जब हमारी 11 से 12 से अधिक सरकारें हैं और हमारी गठबंधन में 17-18 सरकारें हैं, तब हमें 6000 करोड़ मिला और हमारे 303 सांसद हैं। अगर इनके हिसाब से देखा जाए, इनके अगर 242 सांसद में 14000 करोड़ आते हैं, तो अगर इसी प्रोरेटा से देखते तो तृणमूल की सरकार अगर केंद्र में होती तो उनको 24000 करोड़ मिलते, और कांग्रेस की सरकार केंद्र में होती तो उनको 15000 करोड़ मिलते। तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अब बताइए सुप्रिया जी कि वो पैसा उगाही का या वो पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड का, बताइए। ठीक है सुप्रिया जी, एक जवाब, उसके बाद मैं अन्य मेहमानों के पास जाऊंगी, आप दोनों को एकदम ये करके, मतलब कोई और बोल नहीं पाता। अंजना जी देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कोई खेतमेर का झगड़ा नहीं कर रहा है, ना कोई किसी को इंटिमिडेट कर रहा है। सवाल पूछा जाएगा, सवाल का जवाब हम देने के लिए आए हैं आपके शो पर, इसीलिए आए हैं। आपने बोला लाइन की, बाकियों को भी मिला, बाकियों का भी वसूली, हमारे 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 कंट्रोल में तो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स नहीं है। पूरा पैटर्न मैंने बता दिया कि जिन पर सेंट्रल एजेंसी की रेड पड़ रही थी, जो कि सरकार के अधीन है, वही कंपनियां कुछ कुछ दिनों में, कुछ कुछ हफ्तों में, कुछ कुछ महीनों में बॉन्ड खरीद रही थी। तो ये उगाही किसकी हो रही थी, ये सारी जनता जानती जी, प्लीज। असल में अंजना जी प्रॉब्लम क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि मैं क्या तथ्य बोलूं, बीजेपी क्या तथ्य बोले, समाजवादी क्या बोले, वो आरएलजेपी एलजेपी जो भी है वो क्या तथ्य बोले, तथ्य तो देश की जनता बोल रही है। एक लड़का खुदकुशी कर लेता है 48 घंटे पहले ये कहकर कि मेरी नौकरी नहीं लग रही, 10 उसकी बात पर ये चर्चा नहीं करेंगे, ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो 50 लाख बच्चों का पुलिस का पेपर लीक हो गया, ये चर्चा उस पर नहीं करेंगे जो माँ अब नहीं 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 अब बाकी मेहमानों का की बारी है, सॉरी बाकी मेहमानों की बारी, क्यों नहीं जवाब दे रही, बाकी क्यों नहीं जवाब दे रही, अब पूछे उनसे क्या जवाब है, यशोदा पर क्या जवाब है, क्या जवाब है मेरे क्या जवाब है फ्यूचर के लिंक पे, जब मैंने डीएमके के और केरला की सीपीएम के लिंक बताए उस पर एक को जवाब नहीं है सुप्रिया श्री ने, मैंने केरला में आपकी
जो सहयोगी दल है, डीएमके आपके सहयोगी दल है, उनके सीधे कोई जवाब नहीं है। क्या क्या बनाकर झूठ बोलना है और निकल जाना है, बस इतना काम है आपका। विनोद जी, विनोद जी, क्या ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा इतना बड़ा बनेगा? क्योंकि ये बात तो सही है कि अगर 20,000 करोड़ अलग अलग पार्टियों को मिला, जिसमें 6,000 करोड़ 1400 कांग्रेस को या 1400 शायद टीएमसी को, 1600 टीएमसी, 1400 कांग्रेस को, हाँ, टीएमसी को ज्यादा है, 1600। ऐसे में मुद्दा तो ये इशू बनेगा जनता के लिए नजरिए, नहीं जनता के नजरिए से बड़ा मुद्दा है, लेकिन सवाल ये है कि सारे राजनीतिक दल उससे उसके लाभार्थी हैं, जिसकी जहां जितनी बड़ी हैसियत है उस हिसाब से लाभार्थी है। इसमें जांच का विषय यह है कि जैसे बीजेपी को मान लिया 6,500 करोड़ के आसपास मिला, 1600 करोड़ मिला टीएमसी को, तो जिन जिन कंपनियों ने दिया, जिन जिन को, उन सरकारों से कितना फायदा उनको मिला, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जांच कोई राजनीतिक दल नहीं कराएगा, न कोई सरकार कराएगी। वैलिड है कि सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज या राज्य सरकारों की भी चलती है, और ये बात किससे छिपी हुई है कि सबको अपने अपने उन राज्यों में काम चाहिए, डील चाहिए, और ये एक क्विड प्रो को, देखिए क्विड प्रो को साबित करना पड़ेगा। राज्य सरकारों में तो चूंकि काम होते हैं, भाई कोई प्रोजेक्ट लेना है उसमें काम होते हैं, केंद्र सरकार के भी में भी काम होते हैं बड़े, और एजेंसीज का भी है, तो निर्भर करता है, खुद को प्रूफ करना पड़ेगा। और जांच में इशू बनेगा इलेक्शन में। देखिए एक चीज समझिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये मुद्दा ही नहीं है किस पार्टी को कितना पैसा मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड में सिंपल मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर यह है कि क्या ईडी के छापे के बाद, इनकम टैक्स के छापे के बाद, सीबीआई के छापे के बाद उस पार्टियों को पैसे मिले या पैसे नहीं, सिंपल मुद्दा सिर्फ इतना सा है। और उसने देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड तो सरकार ने कानून बनाया ना, तो अगर बीजेपी को मिला तो टीएमसी को भी मिलेगा, देश के कानून के हिसाब से मिला। सवाल इस बात को लेकर यह है कि क्या ईडी के छापे डलवाए गए, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया गया, और उसके बाद केस को मैनेज करने के लिए क्या उसने उस पॉलिटिकल पार्टी को पैसे, काउंटर पॉइंट है आशुतोष जी, तो क्या टीएमसी को पैसे देने वाले श्रद्धा और भक्ति में दे रहे थे, और सवाल पूरा होने दे, और बीजेपी को देने वाले ईडी और सीबीआई से डर के दे रहे थे, ये जबकि वोट 303 सीटें इनको मिलती। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी सेठ जो पैसा देता है किसी राजनीतिक पार्टी को जो सत्ता में है, वो दान नहीं देता, यही मेरा दान, वो मैनेजमेंट करता है। बेसिक सवाल जो मैंने कहा कि आप अगर टीएमसी का देखिए, तो विधानसभा चुनाव के बाद उनको ज्यादा पैसे मिले, क्यों दे दिया उसको? बट फिर मैं लौट कर आता हूं कि अगर सब डर के दिया, वही मैं पूछूंगी क्या ममता जी से, फ्यूचर गेमिंग का 2019 में प्रॉपर्टी अटैच होती है, पैसे मिलते हैं, 2022 में प्रॉपर्टी अटैच होती है, वो पैसे मिलते हैं, कुल 256 करोड़ का प्रॉफिट है उसके पास, 1,360 करोड़ का वो फंड दे रहा, क्या किस लिए दे रहा? एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट तो अपोजिशन के पास नहीं है, इनकम टैक्स अपोजिशन के पास है नहीं, सीबीआई तो अपोजिशन के पास नहीं। मैं सबसे कह रहा अनुराग जी तो ये अगर लास्ट में अगर एक रुक जाइए प्लीज, सरदार मैंने बोला अगर, और ये निश्चित तौर पर खुद प्रकोप का मामला है, दुनिया के किसी और देश में हुआ होता तो वहां सरकारों के इस्तीफे हो तो सरकार चल जाती। ठीक है, जल्दी से अनुराग जी, मैं लास्ट में जवाब दीजिएगा। अनुराग जी, अंजना जी, आपने देखा होगा जो हम चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाती है विपक्ष, तो मुझे लगता है बीजेपी बचाने क्यों आ जाती है, इसके मतलब उनके मन में चोर होता है ना, उनको तो हमारी आवाज में आवाज मिलानी चाहिए। इलेक्ट्रो बॉन्ड की जब बात होती है तो एसबीआई को बचाने क्यों आ जाती है भारतीय जनता पार्टी? अगर सबको चंदा मिला है तो आप उनके साथ क्यों खड़े हो, एसबीआई के बैंक के साथ आप हमारे साथ आके खड़े होइए ना, आप कहिए हाँ क्यों छुपा रही थी वो, क्यों बॉन्ड के नंबर नहीं दे रही थी सुप्रीम कोर्ट में, आप मेरे साथ ना खड़ो कि आप बचाव में खड़े होते, इसलिए आपकी मनसा पे शंका होती है। ईवीएम की बात उठती है तो आप भी बोलिए हाँ, अगर जनता को शक है किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको चुनाव आयोग सुने, तो आप चुनाव के साथ क्यों खड़े हो जाते हो? सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एसबीआई को इलेक्शन कमीशन को डिफेंड क्यों करती है बीजेपी, क्यों सत्ताधारी पर? वही वो कह रहे हैं इसी से शक की बू आती है। अंजना जी, शक की बू इनकी बातों पर है तो ये तो देश पर भी सवाल उठाते हैं तो देश को मुझे नहीं बचाना चाहिए, ये पीएम पर सवाल उठाते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी को मुझे नहीं बचाना चाहिए, ये हमारे गठबंधन पर सवाल उठाते हैं तो हमको गठबंधन तोड़ देना चाहिए, कैसी बात है आप कह रहे हैं? और ये लोग क्या बोलेंगे जो अगर इसके पहले 50 साल अगर इनकी सरकारें रही थी उस समय तो बैंक में नहीं आते थे पैसे, चुनाव फिर भी होता था ना, वो पैसे कहां से आते थे? क्या धीरज साहू जैसे लोगों के पास से पैसे आते थे, उसी तरह का ये बॉन्ड चलाते थे? ठीक है, सुप्रिया जी छोटा सा कमेंट। नहीं, मुझे कमेंट सिर्फ ये करना है कि महापर्व शुरू हो गया है और उसकी जब समाप्ति होगी, यज्ञ होगा,
तो झोला उठाकर कुछ लोग यहां से चले जाएंगे और देश एक राहत की सांस लेगा कि न्याय होगा युवाओं के साथ, बेरोजगारों के साथ, महिलाओं के साथ, सशक्तिकरण होगा, जुमलेबाजी बंद हो जाएगी, वारंटी गारंटी सब खत्म, मोदी जी वापस अपने जहां से आए वहां चले जाएंगे। शहजादी होने वाला है चुनाव के बाद, देश शहजादी सिर्फ सिर्फ दो मन बना लिया है, जितनी जल्दी भारतीय थैंक यू ठीक है सुप्रिया जी। हाँ, देखिए महाराजगंज से लेकर अमेठी तक किसको झोला उठाकर भागना पड़ा देश की जनता तय करती है और अच्छे तरीके से 5% वोट तक सीमित करके तय करती है, इसलिए मैं उसमें नहीं जाना चाहता। हम काहे इलेक्शन कमीशन को बचाते हैं, संवैधानिक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक संस्था है, सेना हमारी संस्था है, और अगर देश पर हमला करेंगे, अगर मोदी पर विरोध करते करते अब देश की संस्थाओं पर सवाल उठाएंगे तो हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उनके बचाव में खड़ा होगा। आप देश की संस्थाओं पर हमला करेंगे हमसे दुश्मनी करते हैं। और आशुतोष जी से एक सवाल, आशुतोष जी से केवल एक सवाल का टाइम ही नहीं, अगली अगली बार इसी जोड़ी को फिर बिठाएंगे, आप दोनों भिड़ लीजिएगा एक दिन इलेक्टोरल बॉन्ड।